हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड टेंसेस के बारे में। दोस्तों, टेंसेस की बेसिक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, आप वहां से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बट आज की वीडियो एडवांस लेवल की है। हम आज की वीडियो में उन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने बेसिक टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है टेंस के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे अपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखिए फ्रेंड्स, टेंस के टाइप्स क्या होते हैं ये सभी मैंने बेसिक वीडियो में क्लियर कर दिया है, आप वहां से पढ़े। आज हम सिर्फ जो रूल्स एग्जाम्स में आते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, उसका फर्स्ट रूल दिया हुआ है, जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं जिसमें आश्चर्य वगैरह, दुख वगैरह प्रकट होता है, तो ऐसे सेंटेंस की पहचान क्या है? आपको सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल देगा, इससे आप पहचान सकते हो कि जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है। तो कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और उसकी जो स्टार्टिंग है बिगनिंग में हेयर या देयर हो, हेयर या देयर से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज होता है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, हेयर कम्स द ट्रेन। अब यहाँ पे सेंटेंस की बिगिनिंग में हेयर है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हेयर से शुरुआत है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो यहाँ पे जो ट्रेन है ये सिंगुलर है, तो इस ट्रेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस ए एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कम्स का यूज हुआ है, हेयर कम्स द ट्रेन। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, देयर गोज द ट्रेन। अब यहाँ पे देयर से वाक्य स्टार्ट है तो भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, ट्रेन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो गो में ई एस का यूज करेंगे, गोज। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हेयर कम द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हेयर से स्टार्टिंग है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे हम एस ए एस ना लगा के डायरेक्ट कम लिखेंगे, हेयर कम द स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब हेयर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, किसी सेंटेंस में इफ का यूज हो तो, और जो सेकंड क्लोज है उसमें हो सिंपल फ्यूचर, तो जो इफ क्लोज है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे इफ की जगह और भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे इफ का यूज हो सकता है व्हेन, अनलेस, टिल, अनटिल, इन केस, एज सून एज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो इफ की जगह यूज कर सकते हैं, जो कि कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, If I go to Delhi, I will bring a cat for you. अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपके लिए एक बिल्ली लाऊंगा। अब यहाँ पे दो क्लोज हैं, एक तो if क्लोज हो गया और ये सेकेंड क्लोज हो गया। अब सेकेंड क्लोज में will प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल फ्यूचर का यूज है, तो जो if क्लोज है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। तो यहाँ I के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म go का यूज हुआ है, If I go to Delhi, I will bring a cat for you. इसका सेंस फ्यूचर का ही होगा, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपके लिए बिल्ली लाऊंगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। अब यहाँ पे इफ की जगह अनलेस का यूज है और जो सेकंड क्लोज है इसमें फ्यूचर सिंपल का यूज है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज है, ही सी इट का यूज होता है, तो वर्ब में एस या एस का यूज होता है, तो यहाँ वर्क्स का यूज हुआ है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा He will not pass, वह पास नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, He will help me when he comes here.
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ये सेकंड क्लोज है ये आपको पहले भी मिल सकती है। अब यहाँ पे वैन का यूज है, तो ये तो हो गया जो फर्स्ट क्लोज है वो, और जो सेकंड क्लोज है वो पहले दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें फ्यूचर सिंपल का यूज है, तो जो इफ क्लोज या वैन या ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनमें से जो भी हो उस क्लोज में, उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही कम सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। ही विल हेल्प मी वैन ही कम्स हियर, जब वो यहाँ आएगा तो वो मेरी मदद करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सेकेंड क्लोज में सिंपल फ्यूचर है तो इफ वाली क्लोज में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हिंट्स दी हुई है सेंटेंस में। ये जो हिंट्स होती है इससे हमें पता लगता है कि कौन सा टेंस है। तो अगर सेंटेंस में ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, रेयरली, डेली, एवरी डे, वीक, नाइट, मंथ, ईयर कुछ भी हो, सेल्डम, ऑफन, वन से डे, वन से वीक, वन से मंथ, वन से ईयर कुछ भी हो सकता है, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, इस तरह ये जो एडवर्ब्स दी हुई है अगर इनका यूज होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई टेक टी ट्वाइस ए डे, मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। तो यहाँ पे ट्वाइस ए डे का यूज है, तो हम पहचान गए कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पे आई के साथ वी वन का यूज किया है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, आई टेक टी ट्वाइस ए डे, मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इनका यूज देख के हम कैसे पहचान पाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इनसे हमें रिपीटेड एक्शन या रेगुलर एक्शन का पता लगता है कि ये एक्शन बार बार होता है। तो जब कोई भी एक्शन हैबिचुअल हो या रेगुलर हो तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसी वजह से ये जो यहाँ पे एडवर्ब्स दी हुई है इनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर इन एडवर्ब्स का यूज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज हो। ऐसा हो सकता है उस सेंटेंस में कोई और चीज दी हुई हो जिससे हमें पास्ट का सेंस आ रहा हो, तो हम पास्ट का यूज भी कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। तो यहाँ पे ऑलवेज का यूज है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है। ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तरुण गोज टू टेम्पल एवरी डे, जो तरुण है वो मंदिर रोज जाता है। तो रोज की बात हो रही है, जो काम रोज होता है या बार बार होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होते हैं। तो एवरी डे है यहाँ पे, ये जो हिंट है इससे हमें पता लगा कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, जब कभी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो या साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो, परमानेंट कोई एक्टिविटीज दे रखी हो या प्रोवर्ब्स दे रखी हो, कोई कहावत दे रखी हो, तो उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है। तो ये जो बात है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी मानते हैं इस बात को कि जो सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है, तो इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चाहे ये बात हम फ्यूचर में कहें या पास्ट में कहें, तो बात तो यही रहेगी कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। तो यहाँ पे ये जो परमानेंट एक्टिविटी है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे चार होते हैं और अगर हम अमेरिका में चले जाएं तो दो और दो पांच होने लग जाएं, ऐसा नहीं है। चाहे कहीं भी जाके बोले दो और दो चार ही होते हैं। तो ये परमानेंट एक्टिविटी है या साइंटिफिक ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ भी मान लो इसको, तो इसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रूमर्स स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, जो अफवाहें होती हैं वो जंगल में आग की तरह फैलती है। जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे ही अफवाहें बहुत तुरंत फैल जाती है। तो यहाँ पे ये रूमर स्प्रेड लाइक विल फायर, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। तो यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है, वी वन का यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो कभी भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटीज या प्रोवर्ब्स किसी सेंटेंस में दे रखी हो तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, कमेंट्रीज व फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, और जो कमेंट्री होती है गेम्स की वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। और अगर फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान है, कोई कार्यसूची में
कोई प्लान है फ्यूचर में फिक्स होना है तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द रिपब्लिक पार्टी टेक्स एन ऑथ ऑन मंडे। अब यहाँ पे ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि जो रिपब्लिक पार्टी है वो उसने मंडे को शपथ ली। तो यहाँ पे ये जो बात है ये पास्ट की है, बट न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूज़पेपर हमें ये खबर पहली बार देता है, तो जो फर्स्ट टाइम खबर देता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। धोनी कैचेज द बॉल एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये एक कमेंट्री का सेंटेंस है। मैच चल रहा है, उसमें धोनी ने बॉल को पकड़ा और उसने स्टम्प पे फेंका। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आंखों देखा हाल है, ये अभी एक्शन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। कैचेज और थ्रोज सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है। तो कमेंट्री की जब बात हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इसी तरह का एग्जाम्पल और देखिए, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कल जयपुर विजिट करेगा, किया नहीं है, फ्यूचर की बात है, बट ये जो प्लान है ये फिक्स है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जब फिक्स प्लान की बात होती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। तो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसकी हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ एक टेंस पढ़ाया है, इसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है सभी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। तो अब आगे और टेंस पढ़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।